Assalamualaikum guys, मैं सैफ अनवर संभली अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मोहम्मद लाल चांद साहब हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इन्होंने दिसंबर 2018 का जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आइए इनसे आज पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह तैयारी की थी, किन किताबों को इस्लामिक स्टडीज में जेआरएफ की तैयारी के लिए पढ़ना चाहिए और इन्होंने इनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी तैयारी के दौरान। आपको मुबारकबाद कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया और थोड़ा आप बताइए आपने किस तरह तैयारी की जेआरएफ के लिए इस्लामिक स्टडीज में और किन किताबों को आपने खासतौर पर पढ़ा। इसके लिए मैंने कुछ चीजें मैंने लिखा है वो मैं बताना चाहूंगा। जो फ्रेशर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं आज मतलब अगले एग्जाम के लिए, तो मैं उनके लिए जो चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको जो है अपने मकसद में क्लियर होने की जरूरत है। पर्पस क्या है कि वो सही में रिसर्च करना चाहते हैं, सही में वो स्कॉलर बनना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले उनको क्लियर होने की जरूरत है, अपना एम बना लेना चाहिए। उसके बाद फिर उनके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए सर, कि इंटरेस्ट जेआरएफ और नेट के पर्पज से भी और रिसर्च के पर्पज से भी, कि उनके अंदर रिसर्च करने की इंटरेस्ट है या नहीं। इसी तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ठीक है सर। इसी तरह से मैं जो इन चीजों के लिए जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये है कि अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो वो क्लास जो है रेगुलर करे सबसे पहली चीज, क्योंकि हमारे जो टीचर होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होके गुजर चुके होते हैं, तो वो हमें जो चीजें बताएंगे जो चीज हम उनसे सीखेंगे तो वो चीज हमारे लिए हमेशा काम आती है, और वो बहुत सारे ऐसे सवालात हमें क्लास के दौरान बताते जाते हैं जो हम कई मरतबा किताबों से जो है उसको अखज नहीं कर पाते हैं। नेट जेआरएफ का जो पेपर है ये दो पेपर पे बेस करता है, यानी दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर होता है जो जनरल पेपर होता है, दूसरा पेपर हमारा अपना होता है मेन पेपर। उसमें फर्स्ट पेपर के लिए आपने किन किताबों को पढ़ा और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और किस तरह से आपने रीजनिंग के लिए और उसके लिए प्रैक्टिस की, ये थोड़ा सा बताइए। मैंने फर्स्ट पेपर के लिए दो किताबें पढ़ा था, एक यूजीसी नेट जो अब एनटीए के नाम से बदल दिया गया है, जो नेट जेआरएफ ट्रूमेंस की है वो मैंने पढ़ा था, और जो रीजनिंग की बुक है तो मैंने वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो अरिहंत की बुक है उससे मैंने सिलेक्टिव चीजों को पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है अपने टाइम बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई मरतबा हम सारी चीजें कवर करने के चक्कर में जो है जो हमारा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उन चीजों को कवर नहीं कर पाते हैं, और फिर स्टूडेंट को लगता है कि हम तो बहुत पढ़े थे पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो हमें चाहिए कि पढ़े तो बहुत लेकिन सिलेक्टिव होकर पढ़े, जो चीजें जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन पेपर, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था क्वेश्चन पेपर पढ़े, तभी जाके जो है आपको जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें जो है आपको मदद करेगा। तो क्वेश्चन पेपर पढ़े और फिर जो है फर्स्ट पेपर हो सेकंड पेपर हो उसी हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करें। तो रीजनिंग वाली जो बुक मैं बता रहा हूँ उसमें 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से ही अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि सिलेक्टिव होकर उसको जहां से क्वेश्चन बन रहा है उस जगह को आप देख लें। जैसे हिस्ट्री ऑफ द अरब से सेकंड मेन पेपर में बनते हैं, तो आप जिन किताबों से क्वेश्चन बन रहा है एग्जामिनर जिन किताबों से क्वेश्चन दे रहा है, लालचंद का कहना है कि उन किताबों को और उन क्वेश्चंस को खास तौर से हमें देख लेना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत से स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो सेकंड पेपर के अपने मेन पेपर पर ज्यादा फोकस रखते हैं, फर्स्ट पेपर क्योंकि अब 20 क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है पास होने के लिए जैसे पहले था, तो अब उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा सा। फर्स्ट पेपर क्या है, ये प्लस पॉइंट है, अब इसको एकदम जो है जैसे पहले इंक्लूड किया जाता था जैसे साहिब भाई ने बताया तो अब नहीं किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है ना निगलेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो फैक्टर है। अगर आप नेट करना चाहते हैं तो अपने पेपर में अगर 100% देते हैं तो ये होगा कि आप जो है नेट क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर जेआरएफ आप चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट पेपर को जो है ना फोकस करें और फर्स्ट पेपर में ज्यादा अपना अच्छा करने की कोशिश करें, तभी जाके जो है आपका जेआरएफ हो पाएगा।
ये मैंने यही समझा है, यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। शुक्रिया। ये तो फर्स्ट पेपर की बात हो गई, अब सेकंड पेपर की हम बात करते हैं, जो मेन पेपर है हमारा यानी इस्लामिक स्टडीज का। तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और किन किताबों को आपने खास तौर पर पढ़ा वो थोड़ा सा बताइए, और क्या तरीके कार रहा, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा किताबें, मतलब मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ वो कमी रह जाती है, ये थोड़ा सा अपना बताइए। ये बिल्कुल सही बात है कि कई मरतबा जो है हम लोग बहुत स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कई लोगों को देखते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। वो तो अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन एक जो स्टूडेंट है उनको जो फोकस होकर पढ़ने की जरूरत है। दूसरी चीज यह है कि सिलेक्टिव होकर पढ़े, और सिलेक्टिव होने का मतलब है कि वो हर चीज में क्वेश्चंस को पढ़ने में, किताबों को पढ़ने में, इसी तरह से समझने में, और जो भी चीजें हैं इन सारी चीजों में जो है ना सिलेक्टिव होकर उनको पढ़ने की जरूरत है। और उनके लिए मैं कुछ किताबों को जो है सजेस्ट करना चाहूंगा। जो मैं किताबों के बारे में कहने से पहले या किताबों के नाम लेने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी स्टडी जो है स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है ना एक स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि वहीं से जो है उनके समझ में आती है कि हम किसी भी किताब को कैसे सिलेक्ट करें, किस किताब को सिलेक्ट करें। किताबों के सिलेक्शन से लेकर अपनी स्टडी की सिलेक्शन तक ये चीज जो है ना कारफरमा होती है। तो मैं इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि कई सारी किताबें हैं जिसको आप अगर पढ़ते हैं तो आपको ये किताबें जो है ना मदद करेंगे, और आप जो है ना आगे इससे जो है ना बहुत फायदा उठा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ द अरब्स हैं जो पीके हिट्टी की हैं, बहुत मशहूर और मारूफ किताब है, और इस्लामिक स्टडीज की जो है बाइबल की हैसियत से इसको जाना जाता है। तो अगर कोई भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ना बेहद जरूरी है। दूसरी किताब जो प्रोफेसर फरीदा खानम की किताब है, तसव्वुफ एन इंट्रोडक्शन है, उसको जरूर पढ़ें। इसी तरह से तारीख तहजीब इस्लामी है जो प्रोफेसर यासिर मजहर सिद्दीकी की है, ये उर्दू में है। ये किताब भी जो ना आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, कई सारी चीजें समझ में आएंगे जो आपको आपके जहन में जो है ना बैठाने में मदद करती है। इसी तरह से मिल्लत इस्लामिया की मुख्तसर तारीख है जो सरवत सवलत की किताब है, ये किताब इस किताब की जो ना तीसरी और चौथी जिल्द जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं आपके लिए। तो ये सारी किताबें हैं। इसी तरह से जो पर्सनलिटीज हैं जैसे जमालुद्दीन अफगानी है, सरवत सवलत वगैरह है, तो उनके लिए जैसे अशखास अफकार, या फिर अगर कहीं पे नहीं मिल रहा है तो दायरतुल मारिफ का आप यूज कर सकते हैं। मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वो चूंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस टेस्ट के लिए, तो उसको जो भी पेपर है स्टूडेंट को आप सजेस्ट करेंगे, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे और किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा उनको बताइए जो प्रीवियस क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा साहब भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना एक की तरह है, क्योंकि आप अगर इसको समझ जाते हैं, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जितना ये गाइड करेंगे आगे किताबों के पढ़ने में, उतना ही कई मरतबा ऐसा होता है कि यूजीसी वाले सेम क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं। मैंने तो इस मतलब 2018 में मैंने देखा कि 40 अबव क्वेश्चंस ऐसा हुआ है जो सेम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं। तो ये जहां डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आते हैं वहीं किताबों के पढ़ने में भी मदद करते हैं। तो मैं और दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सिर्फ एज ए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पढ़ने जाना है, और उनके जो क्या कहते हैं आंसर है सिर्फ उसी को याद करके मतलब नहीं छोड़ देना है, बल्कि उसके आसपास जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस का आंसर्स है। जैसे एक राइटर के बारे में पूछा कि इनकी जो है कौन कौन सी किताब, इसमें से कौन सी किताब इनकी है, तो उसमें जो और जो तीन किताबें होंगे एक तो सही आंसर होगा बाकी तीन गलत होगा, तो उन किताबों को भी जो है ना रुजू कर लें और ये सोर्स बुक से ही उसको रुजू करें, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। कुछ सिलेबस अभी चेंज किया है, चेंज नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि वो एडिशन कुछ उसमें किए हैं, जैसे इस्लामी इंडिया जो एड किया है
या और भी कुछ पर्सनलिटीज वगैरह ऐड की हैं, तो उसके उसके लिए आप किन बुक्स को रिकमेंड करेंगे कि स्टूडेंट को किन बुक्स को पढ़ना चाहिए? यानी जैसे इंडियन हिस्ट्री पे बहुत से लोग तारीख हिंद जो बहुत जखीम बहुत मोटी किताब है उसको पढ़ने लगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट वो बुक नहीं है, बहुत ज्यादा पेजेस हैं उसमें, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सिलेक्टिव बुक्स कौन सी आप बताएंगे जो? जी जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सिलेक्टिव होकर पढ़ना चाहिए, तो जैसे आपने आपने भी बोला कि बहुत मोटी किताब है, तो इन स्टूडेंट को सिलेक्टिव होने के लिए जो ना इन इन किताबों से जो ना बचने से लिए मैं यही कहूंगा, अगर बहुत ज्यादा टाइम है, अगर आप बहुत तेजी से पढ़ ले रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सही है पढ़िए, लेकिन अगर कम वक्त है आपके पास और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि जो पतली किताबें हैं, जो सरकारी बुक्स हैं, उनको अगर पढ़े स्टूडेंट, जैसे एनसीईआरटी की जो सेवन क्लास की बुक है जो मुगल और सल्तनत पीरियड पे है, तो वो अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उससे पूछा जा सकता है। इसी तरह से जीके है अरिहंत की, जहां से यूपीएससी के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जो है काफी हो सकते हैं। बाकी बाकी और चीजें भी पढ़ते रहें, जामिया तारीख हिंद बहुत अच्छी किताब है, उनको उसे भी पढ़ें, लेकिन अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से उसको कि यहां से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, 5-10, तो उस हिसाब से जो है किताबों की जो है ना सिलेक्शन करें और उस हिसाब से उसको। शुक्रिया। लास्ट यूनिट में भी शायद कुछ अरब स्प्रिंग वगैरह का एडिशन हुआ है, तो उसके लिए कौन सी बुक आप रिकमेंड करेंगे? जी, वो मैंने भी देखा है, कुछ चीजें उसमें बड़ी हैं, जैसे अरब स्प्रिंग है, पैलेस्टाइन प्रॉब्लम है, इस तरह से और कई पर्सनलिटीज को भी जो है उसमें बढ़ाया है, तो मैं यही कहूंगा कि एक किताब जो मेरे नजर में है, नई अरब दुनिया है, जो यूनुस निगरानी की किताब है, उसे पढ़ें। इसी तरह दायरतुल मारिफ से जो ना रुजू करें, जो भी आर्टिकल जो भी टॉपिक है आपके, तो उससे भी आपको बहुत सारे मतलब मिलेंगे। बाकी जो पुरानी चीजें हैं जैसे वो उसके लिए जो है पीके की और दूसरी किताब काफी। तो आखिरी आपसे सवाल ये है कि चूंकि इंटरनेट का एक जमाना है, तो इसमें आपने आपको यूट्यूब ने क्या मदद की, यूट्यूब की मतलब आपको किस तरह से हेल्प की, किन चीजों से, किन चीजों को आपने यूट्यूब पर देखा? जी, ये इंटरनेट का जमाना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यूट्यूब ने मुझे फर्स्ट पेपर में जो ना बहुत मदद दिया, और मैं काफी सारी चीजें अपने सेकंड पेपर के लिए ढूंढता रहा, लेकिन किसी ने इस तरह से इसकी तरफ ना पहल नहीं किया है। इसके लिए मैं तो सैफ भाई को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पहल किया और इसके लिए जो है तगोदो कर रहे हैं। तो YouTube ने सिर्फ मुझे फर्स्ट पेपर में जो है जो टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनिंग है, दूसरी सब्जेक्ट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो ये सारी चीजों में जो है उन्होंने मदद की, क्लियर किया, लेकिन हमारे सेकंड पेपर के लिए कोई चैनल इस तरह का है नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है इसमें मजीद यूट्यूब को जो है ये करते हैं, मतलब यूट्यूब में अपनी वीडियोज डाउनलोड करते रहे ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मुझे भी यही अपने सेकंड पेपर के लिए एंड इस्लामिक स्टडीज के लिए मैंने यूट्यूब पे देखा था, मुझे कोई मटेरियल नहीं मिला था, इसीलिए मैंने ये कोशिश की है और कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से सेकंड पेपर में आपकी हेल्प करूं। तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक हमारी छोटी सी कोशिश है, मैं लाल चंद साहब से भी एक गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल के लिए आप थोड़ा सा। जी साहब भाई जी, ये बहुत अच्छी कोशिश है, आप लोग इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर दें।